बाहर बुलडोजर खड़ा है और मकान में रहने वालों की सांसें रुकी हुई है। कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो बुलडोजर है वो चल रहा है और दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। इस मकान के अंदर एक परिवार है जो कि अंदर से कुंडी लगाए हुए है और काफी ये कहेंगे कि एक एक पैसा जोड़कर इन्होंने जो अपना आशियाना है वो बनाया था। देख सकते तस्वीरें कैसे जो महिला है वो कैसे रो रही है, बुजुर्ग दंपति है दोनों कैसे रो रहे हैं। एक एक पाई पाई जोड़कर इन्होंने जो अपना मकान है वो बनाया था। और आज यहाँ पर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन का जो यहाँ पर हम ये कहेंगे अमला यहाँ पर पहुंच चुका है डेमोलिशन करने के लिए। आंसू नहीं रुक रहे, क्यों? क्योंकि पाई पाई जोड़कर मकान बनाया था। ये बताइए कि कब मकान बनाया था और क्या करते हैं आप लोग? ये गाड़ी चलाते हैं सरदार जी, गाड़ी चलाते, टैक्सी चलाते हैं। बहुत मुश्किल से बनाया था, मेरी तो पता नहीं ऐसी जमीन है यहाँ पर कैसे, हमें पता नहीं चला। हमें बड़े यहाँ मकान आप बनाया, आप देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, हमारा सहारा भी कोई नहीं। जिंदगी की कमाई जब तीन लड़के ब्याह के पहले अब बड़ी मुश्किल से मकान बनाया था। हमारा ढा रहे मकान के, अरे ना भाई खुद बीमार आदमी, मेरे किडनी खराब। तो क्या जब मकान बनाया था क्या कोई प्रशासन का कोई, आप पीछे हो जाइए थोड़े, कोई प्रशासन का नुमाइंदा आया था कि ये गलत है यहाँ पर नहीं बनाइए? हमारे बक्कोस ही नहीं आया, पहले कोई नहीं आया, अभी आया जब बन गया मकान फिर आया, ये सही नहीं आया, ठीक नहीं आया जी। आप जिस समय बना था क्या उस समय कोई भी रोकने नहीं आया या प्रशासन की मिली भगत से बना था? या पता नहीं किसके अवगत पर इनका कुछ नहीं पता, इनका हमें कुछ नहीं पता है। हमें तो सिर्फ डीलर ने लिया, डीलर ने पैसे लिए, उसने कहा बनाओ, हमने बनाना शुरू कर दिया। अब ये हाल हो रहा है दोस्तों, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे कर्जा 5-7 लाख रुपया मेरा कर्जा चढ़ गया सिर्फ, कर्जा लेकर बनाया, लेकर बनाया, मैं कहाँ जाऊँ। बिल्कुल काफ़ी हम ये कहेंगे तस्वीरों की अगर बात की जाए तो अपने आप में काफ़ी भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि बुजुर्ग दंपति है, पाई पाई जोड़कर देख सकते हैं, पाई पाई जोड़कर मकान बनाया था, लेकिन जैसे मकान बनकर तैयार हुआ, कर्जा लेकर मकान बनाया, जैसे मकान तैयार हुआ तुरंत यहाँ पर प्रशासन का अमला इस मकान को गलत ठहरा देता है और तोड़ने पहुँच जाता। सवाल ये उठता है कि जिस समय मकान बना था उस समय प्रशासन कहाँ सो रहा था, क्या उस समय ये जायज था या अब गलत है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बुजुर्ग दंपति है उसकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर गया, आंसू रुक नहीं रहे हैं, काफी भावुक है ये कि ब्याज पर कर्ज लेकर पैसा लिया था और उसके बाद ये मकान है ये बनाया था। कितने दिन पहले आपने मकान में सामान शिफ्ट किया है? मकान बनाया था, खुशियों का माहौल था कि अपने घर में किराए के घर से अपने घर में आए पहुंचे, कि हमारा भी क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में सबका सपना होता है कि अपना खुद का एक आशियाना हो, खुशी थी काफी, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं और यहाँ पर प्रशासन का जो अमला है वो पहुंच गया।